हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह को 6:30 बज गए हैं और 6:30 बजे देखो इधर कितना फ्रेश हो गया और धूप भी निकल गया। और इसको बदमाशी देखो, इसको देखो और ये देखो फ्रेंड्स, ये ना मतलब गाय को मतलब जहाँ पर गाय यहाँ इधर गाय बांधते हैं तो यहाँ पर बिछा देते हैं ताकि गाय को, ये ईटा है तो ईटा ना रात को ठंडा लगता है तो गाय बैठते नहीं है, तो इसलिए ये खर ना बिछा देते हैं ताकि गाय उस पर बैठ जाएगी। और हम लोग अपने भाषा में इसको बोलते हैं गोरछारी ना दादी। सुबह सुबह सबका आशीर्वाद दादी, सबका आशीर्वाद, खुश रहो खुश रहो। जय 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 जय। और गाय का बच्चा भैया, रुको इसको पकड़ते हैं, पकड़ने नहीं दे रहे हैं ये। ओए पकड़ लिया, चलो चल। चल बंदी ना। और ये देखो फ्रेंड्स, ये है कदीमा, यानी हम लोग कदीमा अपने भाषा में बोलते हैं। वैसे ये सीता जाना है वो अभी फिलहाल में मैं नहीं बताऊंगी। और ये है गोबर का गोएठा चिपड़ी, और भैया बताया था इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भूल गई हूँ मैं, नहीं याद है। और सुनीता इधर चाय बना रही है सबके लिए। चाय में चाय पत्ती और लगेगा ना कि नहीं लगेगा, क्या हुआ दादी? नंबर डिलीट कर दूं? कैसे नंबर डिलीट? सभी चाय पी लो, आपकी छोटी बहन बनाई है वो अपना अकेले पी रही है, आप लोग को बोली भी नहीं पीने के लिए। अभी जस्ट आई हूँ घर पे और जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। इधर और चूल्हा पर बनाएंगे खाना ना। और ये ना आंगन का चूल्हा है और घर का चूल्हा अभी तैयार नहीं हुआ है, ये नया वाला चूल्हा है। तो ये अभी ये पूरा सूख जाएगा ना तो फिर से इसमें मिट्टी लगा के और फिर इसको तैयार करेंगे अच्छे से, तब इस पर खाना बनाएंगे। इधर सब्जी काटने के लिए बैठ गई है, तो चलो हम चलते हैं चूल्हा को पजारने के लिए, आँच पजारने के लिए। फ्रेंड्स, आँच पजार दिए हैं और ये देखो, तो चलो इस पे ना ये चढ़ाएंगे, ये गाय के लिए ना गुंडा है ना दादी। फ्रेंड्स ये देखो भूजा तैयार हो गया है, हम लोग अपने भाषा में मुरही बोलते हैं और ऐसे तो मुरमुरा बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या सब दिया हुआ है, प्याज, धनिया पत्ता, टमाटर और अचार का मसाला, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग भी खा के और ट्राई करना, देखना कैसा लगता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी आके पेट पूजा कर लो सुबह सुबह मुरमुरा के साथ में। देखो आँच बुता गया था, अभी जाके गाय के लिए गुंडा हो गया और इसमें ना चावल चढ़ा दिए हैं और धूप भी आ गया है और अभी तक खाना बना नहीं, धुआँ इतना लग रहा है ना कि आँख से आंसू निकल जाते हैं, धुआं में हवा मार रहे हैं ना इसलिए धुआं इतना लग रहे हैं। देखो सुनीता लेके जाएगी बान पर, तो देखो इसको उठा दिए हैं, अब ये जा रही है बान पे लेकर। कितना निकल गया है, बहुत धूप लग रहा है लेकिन खाना अभी बना नहीं, और बस चावल बन गया है और ये तेल भी पूरा अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलो पहले मिर्चें फ्राई कर लेते हैं, दादी फ्राई कर रहे हैं। और इधर रहा सब्जी का सामान, सब सब्जी बनाएंगे और ये फोरन है सब्जी का, यानी कुछ इकट्ठा कर लिए हैं और बस अब सब्जी लकड़ी को इकट्ठा कर लिए हैं और अब घर पे जाएंगे। और अभी 12 बज गए हैं और समझो कि पूरा ठीक ठीक या दोपहर है, और इतने भी जंगल में हम लोग आ गए हैं लकड़ी को तोड़ने के लिए, क्योंकि आप लोग सुबह में तो देखे हैं कि खाना बनाते समय में कितना धुआं हो रहा था, नहीं था लकड़ी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट के खाना वाना खा के, और अभी 4 बज गए हैं और हम आ गए हैं बकरी चराने के लिए, क्योंकि घर पे नेट काम नहीं करता है तो नेट के लिए हमको आना पड़ता है इधर नदी की तरफ, यानी खाली जगह में तो नेट काम करता है। और ये है हमारे गांव का नज़ारा, आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये पीछे ना ये नदी है, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है ना ये नदी है, उसमें बालू है, पानी अभी नहीं है। और छठ पूजा के लिए थोड़ा सा पानी था लेकिन वो भी सूख गया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहता है,
तो सूख जाते हैं। और इधर रहा हमारा बकरी सब, ये देखो गांव में देखो क्या क्या करना पड़ता है, एक यूट्यूबर होकर बकरी चराना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि ये बकरी ना चराना पड़ेगा। ये देखो बकरी और एक पीछे में है। तो फ्रेंड्स अब शाम हो गया, ये मैं लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको स्ट्राइक दूंगी, स्ट्राइक। और थोड़ी देर में घर पे जाएंगे, तब तक वीडियो को ना अपलोड कर लेती हूँ यूट्यूब पर और रख लेती हूँ, क्योंकि घर पे नेट काम नहीं करता है तो फिर इधर आना पड़ेगा, तब जाके नेट काम करेगा। तो फिलहाल में फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना। तो बस।